बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में आलोचना हो रही है और अब यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को प्रतिबंध की चेतावनी दी है। यूरोपीय संसद के वाइस प्रेसिडेंट आर्ज आर्केनी ने कहा कि अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं रोक पाया तो यूरोपीय यूनियन उस पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगा सकता है। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुए आर्केनी ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह वक्त बोलने का नहीं कुछ करने का है। उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और राजनीतिक संबंध है और अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर अपनी नीति नहीं बदलता तो हमें भी पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए आर्केनी ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को अपना साफ सुथरा चेहरा दिखाता है तो दूसरी तरफ मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दो चेहरे हैं, एक चेहरा हमें दिखाने के लिए और दूसरा चेहरा बलूचिस्तान के लिए। साथ ही उन्होंने अपील की कि यूरोपीय यूनियन के सभी 28 सदस्य देशों को बलूचिस्तान के लोगों के प्रति पाकिस्तान की क्रूर नीति के खिलाफ बोलना चाहिए। कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। यूरोपियन यूनियन ने साफ कर दिया है कि पाक बलूचिस्तान के मुद्दे पर अपनी नीति सुधारे, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए जीबी लाइव।